अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर काउंटडाउन किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट को ओपन करना है, जस्ट लाइक दिस। मैंने ओपन किया है, न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी है। और न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करने में क्या करना होता है, हमें सिंपल कॉम्प 1920 देन 1830 पर फ्रेम रेट रखेंगे हम, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से 0 10 सेकेंड की कॉम्पोजिशन हुई, सही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ रख के 1, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, एक राइट क्लिक करके हम न्यू लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम एक सॉलिड जो कि हम देने वाले हैं ब्लैक कलर में, ठीक है। ये आ चुका है हमारे पास 1, को मैं सेंटर में कर लेता हूँ। सेंटर में करने के लिए आप माउस से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास अलाइन का ऑप्शन होता है। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल सेंटर में कर सकते हैं। इसकी मैं लूंगा 10 डुप्लीकेट, यानी कि 9 डुप्लीकेट, एक ही ऑलरेडी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको मैं कर देता हूँ 3, इसको मैं कर देता हूँ 4, इसको मैं कर देता हूँ 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मैंने जितनी भी मेरी लेयर्स थी सबके ऊपर 1 से लेकर 10 तक के नंबर टाइप कर दिए। अब हमने क्या करना है कि सिंपल एक एक सेकंड के बाद मैं सबको काटना है। अब लेयर किस तरीके से काटते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सब वीडियो में इन पॉइंट्स को गौर से नोट करिएगा तो आपको लेट काटना आएगी। सबसे पहले हम आ गए यहाँ से 1 सेकंड के ऊपर, ये हम 1 सेकंड पे आ गए। हमने सब कुछ सेलेक्ट किया है, यहाँ तक सॉलिड को छोड़ के शिफ्ट दबा के ऊपर से नीचे तक पूरा क्लिक करेंगे। 10 10 पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबा के मैंने 1 पे क्लिक किया इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे ऑल दबा के ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, यानी कि बैक स्पेस के नीचे जो ब्रैकेट होता है ना, ऑल दबा के उसको आप क्लोज कर देंगे तो ये एक फ्रेम पे कट गई। जितनी भी थी यहाँ पे सब कट चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, 1 को डिसलेक्ट करना है और इन सबको पकड़ के आगे ले गए हम, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल दबाना है, 2 को डिसलेक्ट करना है, इन सबको पकड़ के हम आगे ले गए, ठीक है। 3 को कंट्रोल दबाना है, 3 को डिसलेक्ट करना है, इसको आगे ले गए हम, ठीक है। अब इस तरीके से हमने इन तमाम कंपोजिशन को आगे लेके जाना है। ये कंपोजिशन, ये जितनी लेयर्स हैं तमाम की तमाम एक के बाद एक आगे चली गई और 10 सेकंड में हमारी ये कंपोजिशन खत्म हो रही है, ठीक है। अब हम इसको चला के देख लेते हैं कैसे चलता है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तमाम की तमाम मेरी काउंटडाउन हो रहा है। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इसमें एक और चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 10 से लेके 1 तक करना है, तो ये वैसे भी गलत हो गया था। तो हम इसको सबसे पहले स्केल करेंगे और बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाएंगे इसके, और यहाँ पे स्केल की मार्क कर देंगे। देन फ्रंट पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जस्ट लाइक दिस। कंट्रोल जेड करते हैं, मेरे पास मूव एंकर पॉइंट टूल है, अगर आपके पास नहीं है आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इससे हम इसके सेंटर में इसका की फ्रेम करेंगे सब तमाम लेयर का, और उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। और अब हम सबसे पहले 10 को डिसलेक्ट करेंगे, बाकी तमाम को आगे ले जाएंगे। 9 को डिसलेक्ट करेंगे, बाकी तमाम को आगे ले जाएंगे। 8 है, इस तरीके से हम। अब आप ये देख रहे होंगे कि माउस से तो आगे नहीं लेके गया था, तो मैं कैसे लेके गया था, तो सिंपल मैंने बगैर ऑल्ट दबाए ब्रैकेट को प्रेस किया था ओपन वाले को, और तमाम लेयर आगे हो चुके हैं। इस तरीके से मैं एक एक लेयर को डिसलेक्ट कर रहा हूँ और बाकी तमाम को आगे करता जा रहा हूँ। ये मैंने डिसलेक्ट किया, इसको आगे कर दिया, ये डिसलेक्ट किया, इसको आगे कर दिया। इस बात का ख्याल करना, ये ओवरलैप ना हो, ओवरलैप होगा तो एनिमेशन सही नहीं होगी।
एक बार जूम कर करके अपनी टाइमलाइन को आप चेक कर लिएगा, ठीक है। इसको भी आगे कर दिया, इनको भी सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे आते हैं हम, इन दोनों को यहाँ पे ले आते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ लेके आ गए, और ये हमारी एनिमेशन रेडी हो चुकी है। मैं एक बार इसको इसको चला के दिखा देता हूँ, ये एनिमेशन कैसी लग रही है। एक जो हमने पहले चलाई थी एक उस तरीके से लग रही थी, और एक ये लग रही है। 9, 8, 7, 6, ये जो हमने स्केल लगाया ना इस पर, ये स्केल काउंट डाउन के अंदर थोड़ी सी खूबसूरती पैदा करता है, वरना पहले जिस तरीके से हो रहा था वो बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधा सीधा हो रहा था। तो ये एक सिंपल सा मेथड होता है काउंट डाउन करने का, आप इस तरीके से काउंट डाउन बना के अपनी एनिमेशन से और इजीली अर्निंग कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी एनिमेशन होती है, ये आप सीखेंगे तो आप आफ्टर इफेक्ट पे हाथ साफ कर सकते हैं, और हाथ साफ हो गया एक बार तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अर्निंग करना कोई मुश्किल नहीं होगा आफ्टर इफेक्ट में। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम रोजाना के भी आप नई कोई ना कोई चीज़ छोटी छोटी सी ट्रिक्स सिखाते रहते हैं आफ्टर इफेक्ट की, जिससे आप आफ्टर इफेक्ट में हाथ ना अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स को भी इस तरीके से आप सीख सकते हैं। इसके रोटेशन इन सब चीज़ों पे ही बेस करता है। वीडियो पसंद आई हो चैनल को जरूर लाइक करें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।